हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीजल बुक्स। आज हमारे पास ये आया है स्कैनर। ये ट्रक का स्कैनर है एक्सटूल कंपनी का। तो चलिए आज हम बताएंगे आपको इसके बारे में, पूरी डिटेल रिव्यू देंगे कि इस स्कैनर से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इसमें क्या क्या फंक्शंस दिए गए हैं और ये स्कैनर कैसे काम करता है। तो ये रहा इसका बॉक्स, तो चलिए हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने बॉक्स को ओपन कर लिया, आप देख पा रहे हो ये हमारा स्कैनर है। ये इसका VCI आप देख पाते हो। अब बाकी इसके साथ आपको काफ़ी सारी केबल्स मिलती है जिसकी मदद से आप काफ़ी गाड़ियों में स्कैन कर सकते हैं। मैं आपको आगे चेक कराता हूँ कि इसमें आपको कौन कौन सी गाड़ियाँ भी मिल जाती है स्कैन करने के लिए। इस साइड पे आप देख पा रहे हो, इस साइड पे जो है इसका चार्जर वगैरह दिया गया है और केबल वगैरह भी मिल जाएगा। अब बाकी अगर मैं इस साइड ओपन करता हूँ तो इस साइड आप देख पा रहे हो, इस साइड में काफ़ी सारे आपको एडेप्टर्स और केबल दिए गए हैं, अलग अलग गाड़ी में आप यूज़ कर सकते हो। इसमें जो है काफ़ी सारा कुछ आपको दिया गया। बाकी अगर मैं बात करूँ इसका VCI की, तो इसका VCI आप देख पा रहे हो, ये इसका VCI है। इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि गाड़ी में आपको कैसे कनेक्ट करना है। इसको आप वाया ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हो या फिर वायर के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ये हमने इसका 16-पिन OBD कपलर इसमें लगा रखा है। बाकी इसका जो ये वाला साइड है, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट, ये वाला साइड, ये आपका VCI पे इस जगह पे कनेक्ट होगा, ये इस जगह पे। और फिर आपका जो 16-पिन वाला OBD कपलर है वो आपका गाड़ी में कनेक्ट हो जाएगा और आप वाया ब्लूटूथ जो है वो यूज़ कर सकते हो। अब बारी आती है टैब की, तो मैं टैब को ओपन कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा टैब जो है, इसका सॉफ्टवेयर हमने एक्टिवेट कर लिया है, आप देख पा रहे हो। अब मैं आता हूँ गाड़ी पे और आपको दिखाता हूँ इसमें कौन कौन से मॉडल वगैरह आपको मिल जाते हैं। इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आपको ट्रक में काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अपना टाटा महिंद्रा लीलैंड तो है ही, बाकी आप देख पा रहे हो कि इसमें काफ़ी ऑप्शंस आपको मिलते हैं स्कैन करने के लिए। काफ़ी सारी गाड़ियों के ऑप्शंस दिए गए हैं इस पर। तो आज हम इसको टेस्ट करने वाले हैं कमिंस व्हीकल पे। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने अभी टाटा सेलेक्ट किया, ये कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसका VCI जो है अभी गाड़ी पे नहीं लगा हुआ है। तो हम आएंगे कमिंस पे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो हैवी ड्यूटी OBD है, कमिंस है, डेट्रॉयट है, कैटरपिलर है, काफ़ी ऑप्शंस दिए गए। तो ये आप देख पा रहे हो गाड़ी पे जो इसका VCI कुछ इस तरीके से लगेगा। बाकी इसमें आपको टाटा की सिग्ना, अल्ट्रा, प्राइमा वगैरह सारा कुछ मिल जाता है। अब आते हैं हम लोग कमिंस पे। यहाँ आप देख सकते हो कमिंस दिया गया है, तो हम स्कैन करने वाले हैं आज कमिंस का ट्रक। तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे, बाकी देखते हैं इसमें और भी क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो हम ट्रबल कोड रीड करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो 3 ट्रबल कोड आ रहे हैं, एक इंजन ऑयल चेंज इंटरवल एक्टिव में है, एक आपका पावर सप्लाई लॉस्ट का है और एक आपका परफॉर्मेंस वाइज स्विच का है। तो ये जो ट्रबल कोड आ रहा है इसको हम ट्रबल कोड को क्लियर कर देते हैं क्योंकि कोड जो है वो इनएक्टिव में है हमारा। तो जैसे हम क्लियर करेंगे ये 30 सेकंड का टाइम लेगा, उसके बाद जो है दोबारा से हम रीड ट्रबल कोड करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हो ऑयल इंटरवल चेंज का आ रहा है इस वाले स्कैनर पे। तो अब हम आते हैं दूसरी गाड़ी पे। इस पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि इस पे यूरिया सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम इस गाड़ी में है। यूरिया कभी खा रही है कभी नहीं खा रही, तो देखते हैं इसमें क्या ट्रबल कोड आ रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें ट्रबल कोड आ रहा है आपका परफॉर्मेंस वाइज स्विच से रिलेटेड, और ऊपर एक कोड आ रहा है 4238 आफ्टर ट्रीटमेंट SCR डोजर एयर असिस्ट प्रेशर से रिलेटेड। तो एक बार हम इसको कोड को क्लियर करते हैं और दोबारा देखते हैं कि दोबारा हमारा क्या फॉल्ट कोड आ रहा है, कोड हमारा क्लियर हो पा रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो इसमें भी सेम आपका 30 सेकंड का टाइम लेगा, इसके बाद दोबारा हम रीड ट्रबल कोड करते हैं। तो ये दोबारा कनेक्टिंग हो रहा है, मैं आपको ट्रबल कोड रीड करके भी दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो ये अभी एक्टिव में है और इसका काउंट आप देख सकते हो 30 टाइम आया है। इसमें प्रॉब्लम जो है वो हमें यूरिया डोजर में मिली। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इसको हमने रिपेयर कर दिया है, रिपेयर करने के बाद ये हमारा बिल्कुल ओके हो गया है। मैं आपको चेक करा रहा हूँ, ये आप देख सकते हो इधर इसकी स्प्रे जो है वो बिल्कुल सही आ रही है और रीडिंग भी प्रॉपर आ रही है। तो यूरिया डोजर का हमने काम कर दिया है। अब जो है अब हम इसको गाड़ी में फिट करेंगे और आपको दिखाते हैं डोजिंग करा के भी कि एक्सटूल के स्कैनर से कि हमारा डोजिंग करके प्रॉपर जो गाड़ी ओके हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो डोजर तो हमारा बिल्कुल अब कंप्लीट हो गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो डोजर हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। अगर ये फॉल्ट कोड आपकी गाड़ी में भी आ रहा है 4238, तो आपका एयरलाइन में प्रॉब्लम हो सकता है या फिर प्रेशर सेंसर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमारा डोजर कंप्लीट हो गया है, अब डोजर को हम लोग फिट कर लेते हैं और उसके बाद आपको चेक कराते हैं। तो हमारा डोजर फिट हो गया है, अब जो है अब हम गाड़ी पे डोजिंग करके उस फॉल्ट कोड को डीएक्टिवेट करेंगे यानी कि इनएक्टिव करेंगे। तो हम दोबारा से जाएंगे कमिंस पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हमारा कनेक्टिंग हो रहा है VCI से अभी।
ये हमारा कनेक्ट हो गया है। दोबारा हम स्कैन करते हैं और आपको सबसे पहले हम ट्रबल कोड दिखा देते हैं कि वो हमारा अभी भी एक्टिव में ही है। ये आप देख सकते हो 30 टाइम काउंट है और फॉल्ट कोड हमारा एक्टिव में है। अब इसको हम करेंगे इनएक्टिव। तो इनएक्टिव करने के लिए हम एक्चुएशन टेस्ट पे जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हो काफ़ी सारे टेस्ट आपको मिलते हैं जो कि आपको कमिंस के इनलाइन 6 पे मिलते हैं, सेम आपको उसी तरह इस पे भी एक्चुएशन टेस्ट मिलते हैं। तो यहाँ हम जाएंगे डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड डोजर पंप ओवरराइड टेस्ट। तो ये रहा हमारा डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ लिखा गया है कि आपका जो इंजेक्टर है यूरिया वाला वो आपको बाहर निकाल के रखना है। तो हमने ऑलरेडी बाहर निकाला हुआ है। यहाँ फिर हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो स्टार्ट पे क्लिक करते ही ये कम्युनिकेटिंग हो रहा है और हमारा जो प्रेशर है वो अब धीरे धीरे बनना चालू होगा। ये आप देख सकते हो प्रेशर हमारा केपीए में दिखा रहा है, ये 600 के आसपास जाएगा और हमारा डोजिंग जो है वो चालू हो जाएगा। यहाँ आप एक और चीज़ देख पा रहे हो कि हमारा जो डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड एयर मिक्सचर प्रेशर है यहाँ भी आपको दिख रहा है वो केपीए में, और हमारा प्रेशर जो है वो भी दिख रहा है, वो आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हो। अभी हमारा टेस्ट स्टेटस जो है वो टेस्ट रनिंग दिखा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो प्रेशर जो है हमारा वो 600 के आसपास बन गया और ऊपर आप देख सकते हो हमारा डोजिंग जो है वो चालू हो गया। मैं आपको बाहर निकल के गाड़ी से बाहर निकल के इसका यूरिया इंजेक्टर भी जो है वो दिखा देता हूँ कि हमारा प्रॉपर डोजिंग हो रहा या फिर नहीं हो रहा। प्रेशर हमारा बिल्कुल सही बन गया है और हमारा जो डोजर में प्रॉब्लम था उसको भी हमने सॉल्व कर दिया है। तो अब देखते हैं हमारा डोजिंग जो है वो प्रॉपर हो रहा या फिर नहीं हो रहा, या फिर अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो कोड जो है वो आपका इनएक्टिव नहीं होगा, कोड एक्टिव में ही रहेगा डोजिंग करने के बावजूद। तो हम उतर के आपको दिखा देते हैं कि इसका जो यूरिया इंजेक्टर है वो सही से स्प्रे कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसका जो यूरिया इंजेक्टर है ये बिल्कुल प्रॉपर स्प्रे हमारा आ रहा है। तो हमारी डोजर जो है वो बिल्कुल सही काम हो गया उस पर, और हमारा इधर यूरिया इंजेक्टर भी जो है वो सही से काम कर रहा है। अब आते हैं हम गाड़ी पे और आपको दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा अभी भी स्प्रे जो है वो बिल्कुल ऑन है, और जैसे कि आप देख पा रहे हो चेक लाइट जो है वो अब चली गई, यानी हमारा कोड जो है वो इनएक्टिव कंडीशन पर चला गया। तो हम जो है इसको स्टॉप कर लेते हैं और उसके बाद आपको चेक कराते हैं कि हमारा जो ट्रबल कोड जो है वो एक्टिव कंडीशन पर था, उसकी काउंट जो है 30 थी, वो इनएक्टिव हुआ या फिर नहीं हुआ। जैसे हम इसको स्टॉप करेंगे इसका प्रेशर जो है वो धीरे धीरे कम होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये प्रेशर धीरे धीरे कम होगा। उसके बाद जो है हम इसको बैक करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका ट्रबल कोड। तो ये प्रेशर देख पा रहे हो, प्रेशर हमारा धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये हमारा प्रेशर अब कम हो गया है। अब इसको हम करते हैं बैक। अब मैं आपको आता हूँ ट्रबल कोड पे, रीड ट्रबल कोड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो जो कि पहले एक्टिव में था कोड, ये हमारा इनएक्टिव हो गया है। तो अब जो है इस ट्रबल कोड को हम क्लियर कर लेते हैं और फिर हम गाड़ी को चला के देखेंगे कि और कोई फॉल्ट इसमें जो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, क्योंकि गाड़ी जो है अब प्रॉपर ओके हो गई है। तो ये आप देखो अभी भी फॉल्ट कोड इसमें इनएक्टिव में, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने में सेम प्रोसेस में 30 सेकंड का टाइम लगेगा जैसे कि हमारा इनलाइन 6 में लगता है। तो हम वेट करेंगे और उसके बाद जो है दोबारा हम रीड ट्रबल कोड करके आपको चेक कराते हैं। तो ये आप देख सकते हो हमारा 30 सेकंड का वेट हम करते हैं, दोबारा ये रिकनेक्ट होगा और फिर हम करते हैं रीड ट्रबल कोड। तो ये आप देख सकते हो रीड ट्रबल कोड किया हमारा, और कोड जो है वो हमारा क्लियर हो गया, नो ट्रबल कोड इसमें आ रहा है। तो गाड़ी जो है वो हमारे बिल्कुल प्रॉपर ओके हो गई है। अब आते हैं हम इसके फीचर्स और पैरामीटर्स पे। जैसे कि हम इनलाइन 6 पे सेट करते हैं, गियर डाउन प्रोटेक्शन हो या फिर रोड स्पीड लिमिट हो या फिर लोड बेस्ड कंट्रोल हो, फैन कंट्रोल हो वगैरह वगैरह, तो वैसे सेम जो है आप इस पे भी कर सकते हैं। इस पे भी आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं फीचर्स एंड पैरामीटर्स पे। यहाँ आप देख सकते हो रोड स्पीड गवर्नर का ऑप्शन है, यहाँ आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। बाकी मैं आपको ऑप्शंस दिखाता हूँ इस पर। यहाँ आप देख सकते हो फैन कंट्रोल वगैरह है, बाकी आप लोड बेस्ड स्पीड कंट्रोल है, इसको भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, या फिर उसके अंदर जाके जो आप सेटिंग करते हो वो भी कर सकते हो। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ एक और ऑप्शंस, इस पर आप लो आइडल वगैरह भी सेट कर सकते हो। यहाँ हम ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख सकते हो इसके अंदर जाके आप यहाँ ऑप्शंस को आप इनेबल या फिर डिसेबल या फिर उसकी सेटिंग में आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि सेम टू सेम आप इनलाइन 6 पे करते हो, सेम आपको फीचर्स एंड पैरामीटर्स का ऑप्शन इस पर भी मिलता है।
अब इसको हम बैक करते हैं, यहाँ हम आते हैं गियर डाउन प्रोटेक्शन पे, यहाँ हम ओके प्रेस करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आप मैक्सिमम व्हीकल स्पीड जो है वो लाइट इंजन लोड या फिर हैवी इंजन लोड उसको भी आप सेट कर सकते हो, जो कि हमारा सेट है। यहाँ आप क्लिक करोगे, ओके पे प्रेस करोगे, यहाँ आपको वैल्यू डालना है, ओके प्रेस करना है और आपका वैल्यू जो है वो सेट हो जाएगा, सेम टू सेम जैसे आप इनलाइन सिक्स पे सेट करते हो वैसे ही। अब हम आते हैं लो आइडल स्पीड पे, यहाँ आप देख सकते हो उसकी आइडलिंग जो है वो भी आप सेट कर सकते हो, जो कि अभी 700 पे सेट है, इसको हम छेड़खानी नहीं करेंगे, इसीलिए हम बैक आ जाते हैं। बाकी यहाँ आप रोड स्पीड लिमिट जो होती है उसको भी सेट कर सकते हो। और बाकी मैं अगर बात करूँ तो गाड़ी को हमने ट्रायल किया, गाड़ी बिल्कुल हमारी ओके हो गई है। काफ़ी सारा लाइव डाटा भी जो है इसमें आप देख सकते हो, जैसे कि रेल प्रेशर वगैरह हो गया, बूस्ट प्रेशर हो गया, आपका सब कुछ काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है उसकी जानकारी भी आप देख सकते हो। जैसे कि आप इनलाइन सिक्स पे डाटा स्ट्रीम पे चेक करते हो लाइव डाटा, सेम आप इस पे भी चेक कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक्सटूल का जो ये स्कैनर है, ये काफ़ी बढ़िया स्कैनर है, आगे इससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि इस स्कैनर से रिलेटेड आप काफ़ी वीडियोज़ और देख सकें। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।